बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी मीडिया के ऊपर एक वीडियो क्लिप वायरल होता है जी, और मैं अभी यही देख रहा था जिसमें कुछ गैर मुल्की खवातीन को छुड़वाया गया, बोल रहे आप उनको हिरासत में ले लिया गया, यही बोल रहे आप। इसके मुताबिक जो भी डिटेल है जी वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर इनकी वीडियो क्लिप भी आपको चलाकर दिखा देता हूँ मैं। पाकिस्तानी जो खवातीन हैं या पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं जो सऊदी अरब की शौकीन हैं जी, अच्छा इनमें कोई पाकिस्तानी थी इसके मतलब भी आपको अपडेट करता हूँ मैं। और हालांकि मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बंदे बोल रहे थे इसमें कुछ पाकिस्तानी खवातीन भी हैं, क्या ये सच है या झूठा है ये भी क्लियर करता हूँ। और एक खुद से जो एक पाकिस्तानी खातून की तरफ से मेरे साथ रब्ता किया गया वो क्या हुआ उसके मतलब डालता हूँ मैं। ये रियाज में कार्रवाई हुई है जी, और कार्रवाई के मतलब भी आपको यहाँ पर मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, अभी मुकम्मल डिटेल से बता भी देता हूँ मैं। पाकिस्तानी खातून से मतलब आपको यार लास्ट में बता देता हूँ मैं, पहले आपको इसी क्लिप के मतलब ही बता दूँ जो कि यहाँ पर आपको चलाकर मैं दिखाना शुरू कर चुका हूँ। क्लिप में आप देख सकते हैं ये रियाज में कार्रवाई की गई है वजारत मवाद अल बशरिया की तरफ से। इसमें ये हुआ है जी कि किसी की तरफ से ये उनको बताया गया था कि हमारे साथ वाली रहाइश में जो कि जेल नुमा है जी, और उसमें कुछ खवातीन या तो मुस्तौदा वगैरह किसी ने बना ली है या जो कुछ हो रहा है आप चेक करें। तो वजारत मवाद अल बशरिया ने फिर चेक किया, जब उस टाइम पता चला है यहाँ पर तकरीबन 30+ में कुछ खवातीन गिरफ्तार हुई हैं जो कि तमाम की तमाम तर गैर मुल्की थी। इनकी खरीदो फरोख्त की जाती थी, अभी खरीदो फरोख्त के मतलब आप बाखूबी जानते हैं जी, किसी को खादमा चाहिए। और इसके अलावा हुआ कुछ यूं कि जो एजेंट होते हैं जो दूसरी कंट्री से, जैसा कि बांग्लादेश एंड इंडिया की मैंने बहुत कम देखी है, बांग्लादेश एंड दूसरी जो कंट्रीज आपको बताई फिलिपीन वगैरह एंड जो भी है जी दूसरी कंट्रीज, उनसे जो खवातीन बुलवाई जाती हैं घर की खादमा के तौर पर, एजेंट बुलवा लेते हैं उनको, बाद में उनके काम के ऊपर नहीं भेजते हैं, वहां पर रख लेते हैं और बाद में उनकी खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है। या किसी को एक माह के लिए चाहिए, 10 दिन के लिए चाहिए, 15 दिन के लिए चाहिए, घर के कामकाज के लिए या किसी भी चीज के लिए जी, बाप बाखूबी जानते हैं। अभी ये जो खवातीन इनको वहां से हिरासत में ले लिया गया है, जो मामला सामने आए हैं अभी तक के वो यही है जी, एजेंटों ने इनके साथ फ्रॉड किया है और इनको बाद में वहां रखा हुआ है, बाद ये आ रखी है, लेकिन ये अपनी मर्जी से भी रहती हैं जी। अभी जो पाकिस्तानी खातून के मुतल वो आपको बताने वाला था वो कुछ यूं है जी कि 2 दिन पहले ही एक मुझे यहाँ से पाकिस्तानी खातून की तरफ से रब्ता किया गया मेरे साथ, और मुझे ये बताया गया है कि मेरे साथ भाई फ्रॉड हुआ है 1,20,000 रुपए का तकरीबन सऊदीया के वीजे के नाम के ऊपर। तो मैं अभी सऊदीया जाना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरी कोई किसी किस्म की हेल्प कर सकते हैं इस मामले में? तो मैंने उनसे आगे से ये बोला था किस किस्म की आप हेल्प चाहती हैं मुझसे, तो वो बोलती थी कोई वीजा हो जाए किसी खादमा का, किसी सिक्योरिटी में काम वगैरह कुछ करना है या किसी घर में काम करना है या कोई भी काम मिल जाए। तो मैंने आगे से उनको ये बोला था कि मैम ऐसा कोई भी वीजा सऊदी अरेबिया से पाकिस्तानी खवातीन के लिए इशू नहीं होता जिसमें आप घर की खात्मा या कुछ सिक्योरिटी या कोई और कामकाज के लिए। सऊदी अरेबिया से कुछ पाकिस्तानी खवातीन जो जाती हैं वो भाई डॉक्टरी के शोबे में जाती हैं, जो मैंने देखी हैं मुख्तलिफ मुतशवात में, उसमें वो उनके पास वो डिग्री होल्डर होती हैं बाकायदा, और किसी न किसी माहिर होती है किसी न किसी अमराज की, उस सूरत में वो पाकिस्तान से जाती हैं सऊदी अरेबिया किसी हॉस्पिटल वगैरह में काम करती हैं, ना नर्स के तौर पर, ना किसी घर के खात्मा के तौर पर, ना ही किसी और शोबे में मैंने पाकिस्तानी खवातीन नहीं देखी है। हाँ खुद का को काम कर रही है वो अलग से बात है। तो वो बोल रही थी कि ऐसी डिग्री तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने उनसे यही बोला था जो फ्रॉड हो चुका है ना आपकी बेवकूफी से, मैं बोल रही जो भी है जी उसको भूल जाए और सऊदीया का वीजा भी भूल जाए, आप यही बेस्ट है, यहां पर आप सेफ हैं, वहां पर आपको कोई भी एजेंट ले जाता है, बाद में इस वीडियो जैसा ही हाल होता है, क्योंकि झूठ बोलकर आप जब किसी को ले जाएंगे तो फिर वहां पर एजेंटों के आसरे के ऊपर ही आप रहेंगे। बहरहाल आपकी इसके मतलब क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर।